कोटेशन, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। मतलब क्या है, सफलता है क्या? सफलता के अपने अपने पैमाने हैं। देखिए सर, मैं तो इतना मानता हूं कि कई बार हम लोग जो बहुत छोटी सी मांग भी कर रहे होते हैं ना, कई बार जैसे कि आजकल क्या है कि अब घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में भी है ना, छोटी बेटी है, और उसको अगर मैं ये मनाने में कामयाब हो गया कि बेटा आपको मेरे साथ जिद नहीं करनी है, मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो जिद नहीं करनी है, तो मुझे उसमें भी सक्सेस फील होती है। तो सक्सेस का पैमाना ये नहीं है कि सक्सेस आप कलेक्टर बन जाएंगे तो ही सक्सेस है भाई। आप किसी वो वाली जो कहते हैं ना, शादी की जो कतार लगी हुई है, पंगत लगी हुई है वहां पर, वो आजकल तो खैर वो दृश्य विहंगम दृश्य गायब हो गया है, जिसमें लोग इन स्टॉल के बाहर खड़े होकर के लंबे लंबे हाथों में रोटियां मांगते थे। याद करिए, आजकल तो शादियों में सर 51वां बाराती बनना जो है वो एक क्राइम हो गया है। लेकिन वर्तमान के इस परिदृश्य को एक बार भुला दिया जाए, तो इससे पहले एक जमाना था जिस समय सर शादी में बफर सिस्टम पर खड़े हुए भोजन को आप जब इस तरह से मांगते थे, लगता था कि भूख से प्रताड़ित ही आप हैं, और वो आपके सामने एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो थाली में डाल देता था। उस समय भी जो फीलिंग आती थी ना, वो भी एक सक्सेस की ही थी, है ना। तो सक्सेस का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपने सब अंबानी बनने का ठाना है, जिस दिन बन जाओगे उसी दिन सक्सेस मिलेगी। और वास्तविकता भी है, सक्सेस हर चीज जो आपने चाही, चाहे वो छोटी सी ही है, पानी का ग्लास पीने से लेकर के अंबानी बनने तक, इस सभी को सक्सेस में काउंट करिए सर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज को लेकर के अब तक सोच रहे थे नहीं होगा, वो हो गया तो सक्सेस है। इसके लिए आपको अपने अंदर का उत्साह जिंदा रखना है। कभी भी अपने किसी भी अचीवमेंट को छोटा मत मानिए। कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थी जीवन में बड़ा बड़ा एक कॉमन सा चीज है ना, और स्पेशली जिस एज ग्रुप में आप हैं ना, इस एज ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। और वो क्या है, हमेशा हमारे मन में एक कंपैरिजन घर करता है। कंपैरिजन कैसा, कि हमारे पिताजी जो कार लेकर के आए हैं, अभी ये सेडान नहीं है, अभी ये हैचबैक कार लेके आए हैं। मेरे पिताजी के पास कार हैचबैक है और मेरा कंपटीशन चल रहा है सेडान वालों के साथ में, तो पापा ये तो अच्छी चीज नहीं है। मतलब हम आने के बावजूद भी खुश नहीं हुए, हमारे घर में सेडान आई, पापा आप तो एसयूवी नहीं लाए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है, सर मेरे घर में बाइक है, सर कार क्यों नहीं है? आपके पास जो है ना, पहले उसको प्राप्त करने की खुशी मनाइए, फिर नए टारगेट्स रखिए। आपकी खुशी आपको और ज्यादा करने की प्रेरणा देगी। अगर आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो आपको अन्य सेलिब्रेशन करने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना जी। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी थोड़ी उपलब्धियां ये होंगी कि मैं SSC में सेलेक्ट हो जाऊं, फिर अब तो अंकित परिवार नई ऊंचाइयां ढूंढने निकला है कि मैं UPSC में सेलेक्ट हो जाऊं, फिर आप UPSC में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर ये सोचेंगे कि मैं अपना होम कैडर पालूं, फिर आप होम कैडर पाने के बाद ये सोचेंगे कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, मैं कलेक्टर बनने के बाद फिर मैं सोचूंगा कि मैं साहब चीफ सेक्रेटरी बन जाऊं, चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाऊं। लिमिट तो नहीं है ना जी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है जो मिल रहा है पहले उसका जश्न मनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और पूरा एंथुसियाज्म अपने साथ में, उत्साह अपने साथ में रखेंगे। और मुझे उम्मीद है ये अंकित परिवार जिसको